एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक हो गए। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई शो यू माय स्किन केयर रूटीन। बेसिकली इट्स नॉट स्किन केयर, ये मैं रात के टाइम शूट कर रही हूँ, इट्स अ नाइट केयर रूटीन और मैं ये डेली बेसिस पे करती रहती हूँ। बहुत छोटी सी है जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा कोई लंबी स्किन केयर नहीं करती, लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जो कि मैं यूज कर रही हूँ आजकल, तो आई शो यू दैट प्रोडक्ट्स। तो चलते हैं, तो जो है वो प्रोडक्ट जो है मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है। जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो है वीडियो को कर दो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को और फिर हम वीडियो की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। और यार उससे पहले जो है एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं, ठीक है। ये सारी जो प्रोडक्ट है वो मैंने खुद ही बाय किया, आप लोग ये मत जज करना कि जो है मुझे कोई PR वगैरह रिसीव नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने खुद ही बाय किया और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं इस बारे में आपको। और अगर आपको इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर बताओ कॉमेंट बॉक्स। स्किन केयर कर लेते हैं, तो स्किन केयर के लिए यहाँ पर जो है मैं एक एक्सफोलिएटिंग जेल यूज़ कर रही हूँ, इट्स फ्रॉम बायो एक्वा। और ये बायो एक्वा इसके ऊपर मेंशन था, लेकिन ये जो है ना कोई चाइनीज ब्रांड है, लेकिन ये बहुत अच्छा जेल है। ये एक वाटर बेस्ड जेल है, इसके अंदर एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी स्किन को जो है नीट एंड क्लीन कर देता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसको जब अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराना, और जब आप इसको अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करोगे तो फिर देखोगे चमक, तो ये आपके फेस पे से ऐसा मेल उतारेगा ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे आगे देखते जाएं, अच्छी तरह से मसाज करें। अच्छा, ये जो है ना अपनी अपना जो फॉर्म है ना वो चेंज करता रहता है, मतलब पहले ही थोड़ा सा वाटर बेस है, फिर जो है ना ये थोड़ा सा झाग टाइप का बनाएगा, वाइट टाइप के, सही है, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ कि यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसने जो है ना व्हाइट कलर की झाग टाइप के बना दिए, और फिर मैं उसके बाद इसको फिर अपनी स्किन के अंदर जो एब्जॉर्ब कराऊंगी, फिर आप देख सकते हो ये इस तरीके से जो है ना रिमूव होगा, मतलब ये आपकी स्किन के ऊपर से पील टाइप का होगा और आपकी स्किन के ऊपर से सारा जो डर्ट होगा ना वो निकाल देगा, ठीक है। और मुझे बहुत शदीद किस्म की टैनिंग हुई है क्योंकि मैं पिकनिक से आई थी, तो अच्छा बाकी ये लिप्स पे लग गया था मेरे, तो बहुत गंदा टेस्ट है इसका, टेस्ट बहुत वियर्ड है, मतलब बहुत गंदा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये पील होता हुआ, ठीक है, और आपकी स्किन इसके बाद इतनी फ्रेश लगने लग जाती है, बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे जो आपको इसको आराम से हाथों से मतलब हल्के हाथ रखना है, मतलब रगड़ नहीं देना, अपनी आपकी स्किन है भाई, ठीक है। आपको वीडियो में लग रहा होगा कि मैं ज़ोर ज़ोर से रगड़ रही हूँ, लेकिन इतनी भी ज़ोर से नहीं रगड़ रही मैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे जो है ये कर लिया। अब आप देखो ये कितना गंदा गंदा सा उतर रहा है, मतलब ब्लैक ब्लैक उतरता है आपकी स्किन के ऊपर से ना, जितना भी आपका मुंह धुला हो फिर भी ये गंदगी निकलती ही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है मैंने जो है ये पील कर लिया है अपनी स्किन पे से, सही है जी। फिर जो है मैं इसको अपने हाथ से भी डस्ट ऑफ करूँगी, फिर एक टिश्यू लेना आपको इसको रिमूव करना है। अच्छा, डायरेक्टली नहीं फेस वॉश करने जाना है आपको, फिर कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे ही पानी से मत धो लेना, फेस वॉश कर लोगे तो अच्छी तरह से उतर जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है फिर मैं इसको बंद करके रखूँगी, बंद करना भी ज़रूरी है, हाथ के हाथ कमरा समेटें, अपना सामान समेटें, बाद में नहीं रखा जाता, गंदा हो जाता है, ठीक है जी। तो टिश्यू से अच्छी तरीके से साफ सूफ करके, सही है, फिर उसको जो है मैं अब फेस वॉश करूँगी। कब फेस वॉश यूज़ करूँगी, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे जो है फिर मैं हिमानी का फेस वॉश करती हूँ। एज़ यू नो कि मुझे कितना अच्छा लगता है ये, तो इसके जो ब्रिसल्स हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपको इसका पूरा रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं इसका रिव्यू आपको दे दूंगी। बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन को नीट कर देता है, और ये दोनों आपको मतलब स्टैप करके आपकी स्किन मतलब इतना अच्छा हो जाती है। लेकिन फिर बताइए क्या इसमें, जब आप इसके अपने झाग बनाता है ना ये, तो फिर इसकी झाग जो ना पीछे चले आते हैं, तो मैं ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती अपने झाग क्योंकि इट्स अ प्रोडक्ट ना, तो मैं जो हूँ मतलब उंगली से लेके अपने फेस पे लगा लेती हूँ, फिर ब्रश से इसको ब्रश करते रहो। यार क्या मतलब स्किन आपकी नीट करता है, ये वाटरप्रूफ मेकअप को भी रिमूव कर देता है आपकी स्किन के ऊपर से बहुत ईजिली। लग के आपने अगर मतलब लगाया हुआ है तो आपके जो पोर्स में मतलब जो गया हुआ होता है, क्या कहते हैं, प्राइमर, यस प्राइमर वगैरह भी अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं फेस वॉश कर लूँगी अपना, फिर उसके बाद जो है आपको फेस वॉश कर लेना है अपना, ठीक है, पानी से फेस वॉश करना है। पानी से फेस वॉश कर आ गई हूँ मैं, और फिर मेरे लिप्स पे फिर
चला गया था, मुझे पता नहीं क्यों कुछ बर्दाश्त नहीं होता अपने लिप्स पे ना, टेस्ट फ़ौरन से आने लग जाता है मुझे। फिर मैं यहाँ पे जो है पानी को सोक कर लूँगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ड्रीम प्योर का जो है स्किन टोनर यूज़ करूँगी। यू गाइज नो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा। फिर इसको टैप टैप करके जो है मैं अपनी स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेट कराऊंगी। इसको आपको अपनी स्किन के अंदर जो है ना ड्राई होने देना है, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छी सी एक ग्लो प्रोवाइड करता है और आपको स्किन पे जो है ना टाइटनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब आपको आपकी स्किन काफ़ी टाइट टाइट लगने लग जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो हूँ एक ब्यूटी एसेंस यूज़ करूँगी, ये भी कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है। अच्छा, ये दोनों प्रोडक्ट जो होता है ना कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, तो मैंने ये दोनों बाय किया था, मैं इसको यूज़ करी। अच्छा, एसेंस को जो है ना कभी भी आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं क्या करें, हाथ में लेके उसको वार्म अप करके फिर इस तरीके से जो है ना अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपके स्किन के अंदर चले जाएगा और फिर आप इसके बाद देख लें मेरी स्किन के ऊपर ग्लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने स्किन केयर कर लिया, अच्छा छोटी सी थी स्किन केयर नहीं, मेरी नाइट केयर रूटीन थी, ठीक है। अब मैं नहा के फ्रेश होके चली गई हूँ, अब सोएंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।